हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाए। तो हम आज की रेसिपी में लाए हैं हरी मिर्च फ्राई। तो चलिए, हम यहाँ पे 8-10 हरी मिर्च लिए हैं, उसको इस तरीके से बीच में से कट करना है। और अगर चाहे तो इसे दो भाग भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उसे बीच में से ही कट कर रहे हैं। ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है, एकदम से झटपट तैयार होने वाला रेसिपी है, बोरिंग खाने को एकदम से टेस्टी बना देता है। तो इस जब सारे मिर्च इस तरीके से कट जाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस को ऑन करेंगे और उस पर पैन या कोई भी तावा जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको रखेंगे हम। तो हम यहाँ पर चलिए गैस को ऑन करते हैं और इस पर हम तावे का प्रयोग कर रहे हैं। तावा को अच्छी तरह से हीट होने दीजिए। जब तावा अच्छी तरह से हीट हो जाए तो हम इस पर एक या दो छोटी चम्मच मस्टर्ड ऑयल रखेंगे, यानी सरसों का तेल रखेंगे। तो ये हीट हो चुका है, अब हम इसमें सरसों का तेल रखेंगे 2 छोटी चम्मच और तेल को कुछ सेकेंड के लिए हीट होने देंगे। यहाँ तेल हीट हो चुका है और अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच अजवाइन रखेंगे और 1 छोटी चम्मच राई या सरसों, आपके पास जो अवेलेबल है वो रखिए। हम यहाँ पे सरसों का प्रयोग किए हैं, आप जो ब्लैक वाला राई होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। तो हम इसको कुछ सेकेंड के लिए पकने देंगे, जब इसका कलर चेंज हो जाए, यानी इसका कलर चेंज होने तक हम इंतज़ार करते हैं। इसी तरह से इसको चलाते रहना है ताकि सब कलर एक साथ इसका चेंज हो, नहीं तो क्या होगा कि बीच में का चेंज हो जाएगा, किनारे का उसी तरह रह जाएगा। और ये इसका कलर चेंज हो गया है अब, और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो भी हम मिर्च को बीच में से कट किए थे, अब इसमें वो मिर्च को डालेंगे। अब हम मिर्च डाल दिए, इसे इस तरह से चला देना है। अब हम यहाँ मेन जो काम है वो करना है, गैस का फ्लेम लो कर देना है, क्योंकि लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से पकेगा, नहीं तो हाई रखेंगे तो ऊपर से तो लगेगा पक चुका है और अंदर से बस कच्चा ही रह जाएगा। तो गैस को एकदम लो कर देना है और इसे पकने देना है। इस तरह से इसको चलाते रहना है, ये काफ़ी मतलब स्वादिष्ट होता है, झटपट एकदम से तैयार हो जाने वाला रेसिपी है। आप भी अपने घर पे इसे बनाएं और हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है कि ये कैसा लगा। हम तो इसे प्रतिदिन घर में बनाते हैं, आप चाहें तो इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं 1-2 दिन के लिए, नहीं तो आप कंटिन्यू भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसका भी अब मिर्च का भी कलर चेंज हो रहा है और इसमें हम अब ऐड करेंगे। आप अपने अनुसार इसमें नमक रखिए, कम या ज़्यादा, लेकिन हम यहाँ पे 1 चम्मच ही नमक का प्रयोग किए हैं, आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो नमक को हम इसमें ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे इसी तरह से। इसी तरह से इसे मिक्स कर लेना है और अब क्या करेंगे, गैस को ऑफ करेंगे और इसे किसी कटोरी या बॉल में निकालेंगे। तो हम यहाँ पे कटोरी का प्रयोग किए हैं, यहाँ पे हम कटोरी में सारे मिर्च को निकाल लेंगे इस तरीके से। और जो तावे पर जो बचा है नमक राई अजवाइन, उसे भी चम्मच के सहारे से उसको भी निकाल लेना है।
इस तरीके से सारे नमक को भी निकालना है। ये देखिए, अब हम इसमें आधा नींबू को निचोड़ेंगे। आप यहाँ पे एक नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम यहाँ पे आधा नींबू लिए हैं क्योंकि ये हमें स्टोर नहीं करना है, बस आज ही ख़त्म इसे करना है, तो हम आधा ही नींबू लिए हैं। नींबू ज़्यादा मात्रा रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। और इसे चम्मच के सहारे मिक्स कर देना है। ये देखिए हमारा मिर्च फ्राई तैयार हो गया है, कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। इसे भी आप ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट में लिखें आप कैसा बना और कैसा लगा, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉच।